हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आपको यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाया जा रहा है। ऑलरेडी हमने अपनी यूनिट नंबर 7 स्टार्ट की हुई है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला वो है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। देखो, जैसे हर सेक्टर में, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो बैंकिंग हो, इंडस्ट्रियल हो, हर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती रहती हैं, फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे आप जाना चाहते हो तो रिफॉर्म्स लाना मैंडेटरी है, ठीक है। सो इसमें ना कुछ जो तीन मेजर रिफॉर्म्स है जो पेपर में सिलेबस में मैंशनड है, इसके अलावा इनके अंदर डेप्थ में जाके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो सारे क्वेश्चन हम कवर अप करेंगे। देखो, सबसे पहले आते हैं बेसल नॉर्म्स, फिर आती है रिस्क मैनेजमेंट, और लास्ट में आती है एनपीए मैनेजमेंट, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को आप किस तरीके से मैनेज करोगे। देखो, जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हैं इंडिया में, इनको क्यों इम्प्लीमेंट किया था? इनकी इम्प्लीमेंटेशन के पीछे बहुत सिंपल मकसद था कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, यानी जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाती हैं, इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, बैंक्स आ गए, उसको हमने स्ट्रेंथन करना है, उसको और पावरफुल करना है इन कंपैरिजन टू हमारे प्रीवियस ईयर कह लो, या इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारी रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, यानी देखो, रिस्क तो राइज होगा, नो डाउट, आप रिस्क को रोक नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, बट आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सो आपके जो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, आपने उनको और अच्छा करना है। और लाइक आपके जो एनपीएस होते हैं, देखो एनपीए हर कंपनी में होंगे, हर बैंक में होंगे, क्योंकि हर बंदा नहीं पैसा मोड़ता, डिफॉल्टर निकल ही जाता है। अब उसकी परसेंटेज डिपेंड करती है कि आपके नॉर्म्स कैसे हैं उस पर, बट डिफॉल्ट होगा ही होगा। सो आपने अपने जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको किस तरीके से मैनेज करना है, इसके रिगार्डिंग हम ये सारा आज का हमारी क्लास रहने वाली है। सो बेसल नॉर्म्स से स्टार्ट करते हैं। देखो, जो बेसल नॉर्म्स है ना, ये इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स है जिन्हें इस्टेब्लिश किया गया था बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा, यानी BCBS, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, डैट इज़ बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। एक कमेटी बनाई गई थी, उसका काम ये था, उसने बेसल नॉर्म्स को इस्टेब्लिश किया था जो इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड थे, यानी ये इंडिया के नहीं, कि इंटरनेशनल लेवल पे बनाए गए थे। जो ये नॉर्म्स हैं, इनका एम बहुत सिंपल था कि जो आपकी रेसिलेंस और स्टेबिलिटी है बैंक्स की, उनको इम्प्रूव करो। देखो, बैंक्स में फ्लक्चुएशंस उनके काम में, उनकी एक्टिविटीज़ में आएंगी, उन फ्लक्चुएशंस को तो नहीं आप कंट्रोल कर सकते, क्योंकि इकॉनमी है, इकॉनमी सब, खास करके इंडिया इज अ फ्री इकॉनमी, चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, बैंकिंग में भी ऊपर नीचे एक्टिविटीज़ होंगी, बट आपको उनको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि अगर आप एक बैंक बिल्कुल बंद हो जाए, एक बैंक बिल्कुल ऊंचाइयों पे चला जाए। सो कुछ आपको गाइडलाइन सेट करनी पड़ेगी जो हमें इस कमेटी ने, बेसल नॉर्म्स ने रिकमेंड की थी, जैसे हमारी कैपिटल एडिक्वेसी क्या रहने वाली है, हम अपने रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी रखेंगे, क्या लिक्विडिटी रहने वाली है। सो इंडिया में जो बैंक्स हैव बीन रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द बेसल 3 नॉर्म। अब ना देखो, बेसल नॉर्म्स की ना कैटेगरीज हैं 1, 2 एंड 3। इंडिया में बेसल 3 बीइंग द रीसेंट नॉर्म्स, उनको कंप्लाई करना बैंक्स के जरूरी है, यानी जितने भी बैंक्स इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज देयर दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू बेसल 3 नॉर्म्स, जिनको इम्प्लीमेंट किया गया था, जो हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और जो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको और मजबूत बनाने के लिए, ताकि जो कोई भी अनफेयर चीज़ ना हो। इनिशियली जो आपकी ये कमेटी थी ना, इसे नाम दिया गया था बैंकिंग रेगुलेशंस एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस का, CBRS। उसके बाद इसका नेम कुछ टाइम बाद चेंज कर दिया गया था, ये 1974 के एंड में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। देखो, अब इसका इस्टेब्लिश, हर चीज़ का बनने का कोई ना कोई कारण होता है। इसका कारण ये था कि जो आपकी इंटरनेशनल करेंसी है और जो आपकी बैंकिंग की मार्केट है, उसमें डिस्टर्बेंसेस आनी 1974 के एंड तक स्टार्ट हो गई थी। उसके रिजल्ट में बेसल कमेटी को बिठाया गया था, जिसका यानी मेन मुद्दा बेसल कमेटी का, जिसने बेसल नॉर्म्स दिए थे, वो यही था कि जो ये डिस्टर्बेंसेस हैं, इनको स्टेबलाइज किया जा सके, मार्केट को, यानी बैंकिंग मार्केट को आप एक मैनेजेबल पोजीशन में ला सको, ठीक है। अब हम आगे ना, अब जो आपको इसमें से क्वेश्चंस आए हैं ना, वो साथ के साथ मैं कवर अप कर रहा हूँ। पहला, बेसल 1 अकॉर्ड क्या है? देखो, बेसल 1 अकॉर्ड के अंडर अगर हम बात करें, ये इस बेसल कमेटी ने, यानी बेसल कमेटी जिसकी पूरा नाम है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, उसने इसे इस्टेब्लिश किया था।
द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फंड्स फॉर बैंक्स वॉज फिक्स्ड एट 8% ऑफ द टोटल वेटेड एसेट। यानी देखो, सबसे पहले जो बेसल नॉर्म्स हुए वो बेसल वन अकॉर्ड दिया गया था BCBS के द्वारा। अब जो ये कमेटी थी, इसने जो सबसे पहली चीज़ दी थी वो ये कह रहे थे कि जो अगर आपने बैंक को इस्टेब्लिश करना है, फिर गोइंग टू ओपन अ बैंक, आपको अपने टोटल वेटेड एसेट्स का 8% एज अ कैपिटल फंड साइड पे रखना पड़ेगा। ये इसका पहला नॉर्म था। सो जो बेसल वन अकॉर्ड था ये 1988 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका एम ये था कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करना है बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी के लिए और रिस्क मैनेजमेंट के लिए। देखो, कौन सी मर्जी इंडस्ट्री में चल जाओ, कौन सी मर्जी फॉर्म आप ओपन कर लो, पार्टनरशिप कर लो, कंपनी कर लो, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। सो जो बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी थी वो बेसल BCBS ने बेसल नॉर्म बेसल वन अकॉर्ड के अकॉर्डिंग 8% सेट की थी ऑफ देयर टोटल वेटेड एसेट। और दूसरा मेन इसका मकसद था कि आपने रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करनी है। सो इसके जो नॉर्म्स निकले हैं, जो इसने गाइडलाइंस दी कि उनके इन्हीं गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स का। अब ये देखो, आपने नॉर्मल एसेट सुने हैं, व्हाट आर द रिस्क वेटेड एसेट। अब ये वो एसेट्स थे जो असाइन कर रहे हैं डिफरेंट रिस्क वेट्स टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एसेट्स बेस्ड ऑन देयर परसीव्ड रिस्कीनेस। देखो, हर एसेट में कुछ ना कुछ रिस्क होता है, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, किसी में मैनेजेबल होगा, किसी में आउट ऑफ कंट्रोल होगा। जब आप एसेट्स को उसकी रिस्कीनेस जितनी उसमें लाई है, हाई है, लो है या मीडियम है, उसके अकॉर्डिंग जब आप वेट्स असाइन कर दे तो वो बन जाती है रिस्क वेटेड एसेट। यानी रिस्क वेटेड एसेट्स का कॉन्सेप्ट आया ही बेसल वन अकॉर्ड के गाइडलाइंस के बाद था। अब आगे, टू मीट द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट सेट बाय बेसल वन, बैंक्स वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैपिटल फंड्स अमाउंटिंग टू एटलीस्ट 8% ऑफ टोटल रिस्क वेटेड एसेट। दिस मेंट दैट बैंक्स हैड टू एलोकेट अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल इन रिलेशन टू रिस्कीनेस ऑफ देयर एसेट्स। बहुत सिंपल है। देखो वो क्या कह रहे थे, देखो अगर आपने बैंक को इस्टेब्लिश करना है बेसल वन नॉर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप चाहते हो कि भाई आपने बेसल वन अकॉर्ड के अकॉर्डिंग अपने बैंक को इस्टेब्लिश करना है, तो आपको मिनिमम अपने कैपिटल फंड्स रखने पड़ेंगे। अब जो ये कैपिटल फंड्स उन्होंने कहा था ये आपके 8% होने चाहिए जो आपके टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स होंगे। वो कह रहे थे आप एनालाइज करो आपके एसेट्स क्या हैं, उनके साथ कितना रिस्क अटैच्ड है, अगर ज़्यादा है, कम है, मीडियम है, ये आप अच्छे से एनालिसिस करके देखो, उसको उतना ही वेट असाइन करो। जब आपने एक बार अपने एसेट्स को वेट असाइन कर दिया, वो रिस्क वेटेड एसेट्स कैटेगरी में आ जाएंगे, उसका 8% आपको एज अ कैपिटल एडिक्वेसी या जिसे आप कैपिटल फंड्स कह देते हो, आपको रखना पड़ेगा। ये पहली शर्त थी। यानी आपने अगर अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करना है तो आपको 8% एज अ कैपिटल फंड्स रखने पड़ेंगे। ये था आपका बेसल वन अकॉर्ड का मेन मुद्दा जो पेपर में पूछा जाता है। देखो, जो रिस्क वेट्स आप असाइन कर रहे हो वेरियस एसेट कैटेगरीज को, दैट रिफ्लेक्टेड देयर परसीव्ड क्रेडिट रिस्क। अब देखो, रिस्क कौन सा मेजर करोगे, रिस्क तो बहुत टाइम पे होते हैं, सिस्टमैटिक हो गया, मार्केट हो गया, अनसिस्टमैटिक हो गया। वो कहते हैं क्रेडिट रिस्क। देखो, एसेट्स हैं, बैंक है, तो क्रेडिट रिस्क मेन चीज़ है। सो आपने जो रिस्क फैक्टर्स यानी जो रिस्क वेट असाइन करने हैं, वो आपको नए क्रेडिट रिस्क को मद्देनजर रखते हुए करने हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टिपिकली कैरीड अ लोअर रिस्क वेट कंपेयर टू लोन्स एक्सटेंडेड टू प्राइवेट बोरोस। बाय अप्लाइंग रिस्क वेट्स टू देयर एसेट्स, बैंक डिटरमाइंड द टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स एंड देन कैलकुलेटेड द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन 8% रिक्वायरमेंट। बहुत सिंपल है। देखो, हर सिक्योरिटी, हर एसेट की अपनी कैटेगरी है। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जा रहे हो तो वो रिस्क फ्री होती है, रिस्क फ्री इन द सेंस बहुत कम रिस्क होता है। और अगर आप यही पैसा प्राइवेट प्लेयर्स को दे रहे हो, प्राइवेट बंदों को दे रहे हो, तो क्या चांस है वो आपको आपका पैसा मोड़ेंगे यानी रिटर्न करेंगे। सो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। सो इन शॉर्ट वो सिंपल कहना ये चाह रहे हैं कि देखो, आपने अपनी कैटेगरी को खुद डिसाइड करना है। अब हम उस कैटेगरीज में आपको रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, हम आपको गाइडलाइंस फ्रेम कर देंगे, बट हम आपकी कैटेगरी चूज नहीं कर सकते। सो आपने खुद अपनी कैटेगरी रिस्क की चूज करनी है। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो हमने सेट किया, आपने उनको रिस्क वेटेड एसेट्स की कैटेगरी में लेके जाना, फिर आपने अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, जो कि 8% होगी आपके रिस्क वेटेड एसेट्स की, ठीक है। अब एक इसमें है ना, पेपर में क्वेश्चन आया था, वो क्या कह रहे थे, जो बेसल फ्रेमवर्क है ना, वो रिस्ट्रिक्शंस प्लेस कर रहा है ऑन पार्टिसिपेशन बाय बैंक्स इन सिस्टम वाइड क्रेडिट बूम्स विद द एम ऑफ रिड्यूसिंग देयर लॉसेस इन क्रेडिट बस थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर CCYB।
बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले तो मतलब समझो। देखो जो बेसल फ्रेमवर्क था ना, यानी जो ये बेसल कमेटी BCBS बैठी थी, जो उनका फ्रेमवर्क था बेसल वन अकॉर्ड कह लो आप, वो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रहा है बैंक्स पे। वो कह रहा है आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यानी आपके रिस्ट्रिक्शंस ने हमने लगा दिए हैं कि आपके बैंक्स की पार्टिसिपेशन जो सिस्टम वाइड क्रेडिट बूम्स हो रहे हैं, यानी जो आपके सिस्टम्स प्रिवेल कर रहे हैं इकॉनमी में डिफरेंट, जो उनमें बूम आ रहा है आप उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, क्योंकि आपका एम रिड्यू है कि आपने अपने क्रेडिट बस्ट को जो उसमें से लॉसेस हो रहे हैं उनको रिड्यूस करना है थ्रू आउट द। अब ये चीज़ होगी किसके थ्रू, ये थी कि काउंटर साइकिल कैपिटल बफर की इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। डिटेल में ध्यान से समझो, देखो जो आपका काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर है, ये वो टूल है जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था बेसल कमेटी के द्वारा ऑन बैंकिंग सुपरविजन एज अ पार्ट ऑफ बेसल थ्री। अब ये जो थर्ड नॉर्म साइज है उसके अंदर CCYB यानी काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर को एज अ टूल इंट्रोड्यूस किया गया था बेसल कमेटी के द्वारा। अब ये था क्या, ये था एक इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था बैंक्स के लिए। यानी अब आपको अब रेगुलेशंस जो हो रही हैं, अब जो आपकी इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना जो बैंक्स ने फॉलो करना है, उसके लिए इस टूल को इस्टेब्लिश किया गया था बेसल थ्री नॉर्म्स के अंडर। अब जो CCYB है इसको डिज़ाइन किया गया था ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो बैंक्स हैं वो बिल्डअप कर रही हैं एडिशनल कैपिटल बफर ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन। देखो आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली बेसल वन के अकॉर्डिंग, वेल एंड गुड थिंग, बट ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि देखो अब इकोनॉमी में बूम भी आएगा, जिससे आप कह देते हो कि इकॉनमी बहुत अच्छी चल रही है, डिप्रेशन भी आएगा जब इकॉनमी बहुत मंदा चल रही है। सो वो क्या कह रहे थे, ये चीज़ ये इंश्योर जो आपका काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर है ना, ये इंश्योर करता था कि जो बैंक्स हैं जब बूम आ रहा है इकॉनमी में वो अपने एडिशनल कैपिटल बफर्स को एड ऑन कर रही है, यानी वो और अपने कैपिटल यानी कैपिटल फंड्स हैं उनको जोड़ी जा रही है। अब जो ये बफर्स के इन कैन देन बी यूज टू एब्जॉर्ब लॉसेज ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स और क्रेडिट बस्ट। बड़ा सिंपल था, देखो जब आप बूम के टाइम पे अपने कैपिटल फंड्स एडिशनल कैपिटल फंड्स को जोड़ रहे हो तो मुसीबत आने के टाइम पे आप उनको यूज भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वो क्या कह रही है, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ एंड इंक्रीज सिस्टमैटिक रिस्क नेशनल रेगुलेटर्स कैन एक्टिवेट द CCYB। अब CCYB को आप एक्टिवेट कब करोगे, देखो जब जब क्रेडिट ग्रोथ होगी, यानी जब जब ग्रोथ का पीरियड आएगा और सिस्टमैटिक इंक्रीज जो आपका सिस्टमैटिक रिस्क है वो इंक्रीज होगा, मतलब मैनेजेबल रिस्क है वो, तब तब जो नेशनल रेगुलेटर्स हैं यानी जिनको डेवलपी रेगुलेशंस बनाने के लिए और ऑब्जर्व करने के लिए किया गया, तब तक CCYB को एक्टिवेट किया जाएगा। सो बैंक्स के वो एक रिक्वायरमेंट है कि उनको एडिशनल कैपिटल को होल्ड करना पड़ेगा जो उनका बफर एज अ बफर एक्ट करेगा जब भी उनको पोटेंशियल लॉसेस को फेस करना पड़ेगा। देखो जब आप अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज कर दोगे क्रेडिट बूम्स के टाइम पे, यानी जब जब क्रेडिट बूम होगा आपका बहुत अच्छा, ये देखो दो ही चीज़ें यहाँ पे यूज़ की है, क्रेडिट बूम मतलब अच्छा टाइम, क्रेडिट बस्ट मतलब मंदा टाइम कह लो। देखो जब जब आप अपनी जब जब इकॉनमी में बूस्ट आएगा बूम आएगा तब तक आप अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज करोगे। सो जो बेसल फ्रेमवर्क का उसका एम यही था कि आपने एक्सेसिव लैंडिंग को कर्ब करना है, मतलब ठीक है लैंड करो विद इन द लिमिट्स लैंड करो, बट आंखें बंद करके मत लैंड करो और रिस्क टेकिंग को संभालो, ठीक है। सो देयर बाय रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ सीवियर क्रेडिट बस्ट एंड मिनिमाइजिंग लॉसेस फॉर बैंक। यानी देखो लालच जो बैंक्स को होता है वो शॉर्ट टर्म का होता है, वो लालच उनको ले डूबता है। बेसल कमेटी यही कह रही थी, ठीक है नो डाउट आपने अपना काम करना है, लैंड करो टाइम अच्छे से करो, मैनेजेबल करो, बस आंखें बंद मर करके मत लैंड करो ताजो आपको एक्सट्रीम लॉसेस को फेस करना पड़े। यानी जो अब ये CCYB था ये एक मैक्रो प्रूडेंशियल पॉलिसी टूल था, एम इसका सिंपल था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करो। अब ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तब ही प्रमोट हो सकती थी जब बैंक्स के पास सफिशिएंट कैपिटल रिजर्व्स होंगे, जब उनका ये रिजर्व उनको हेल्प करेंगे जब भी इकॉनमी में डाउनटर्न्स आएंगे वो उनको अच्छे से टैकल कर पाएंगे। सो ये एक इकलौती नहीं कह सकते आप, एक इम्पॉर्टेंट मेजर थी जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था बेसल थ्री के अंदर, ताजो आप इन्हेंस कर सको रेसिलेंस बैंकिंग सिस्टम का और जो आपके क्रेडिट साइकिल्स आ रहे हैं अब वो अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, और जो बुरे आ रहे हैं उनके इम्पैक्ट को आप कहीं ना कहीं मिटिगेट कर सको, ठीक है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट आता है तीन पिलर्स क्या है बेसल टू के। देखो बेसल वन के एक मैंने इंपॉर्टेंट नॉर्मल चीज आपको बता दी, बेसल थ्री की सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताती, अब तीन पिलर्स आते हैं बेसल टू के, वो समझो क्या थे। सबसे पहले तो थे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो ये पिलर था ये एस्टैब्लिश कर रहा था मिनिमम कैपिटल जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करनी पड़ेगी अगर उन्होंने अपना रिस्क एक्सपोजर को कवर अप करना। देखो ये तो बेसल वन से उठा के ही बेसल टू में लाए थे, कैपिटल रिक्वायरमेंट को आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। ये सेट करती है स्टैंडर्ड्स कैपिटल एडुकेसी के। अब जो आप ये कैपिटल एडुकेसी यानी जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आप सेट कर रहे हो, जो इसके बेसिस होंगे ना, वो रिस्क प्रोफाइल्स होंगे बैंक के एसेट्स की और एक्टिविटीज की। यानी बैंक के एसेट कितने रिस्की या कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, क्या उनकी आपकी एक्टिविटीज हैं, यानी वो जो उनकी एक्टिविटीज हैं उनको रिस्क लेके आती हैं या रिस्क को हैंडल करती हैं। सेकेंड था सुपरवाइजरी रिव्यू। अब जो ये पिलर था इसका मेन फोकस था जो आपकी सुपरवाइजरी अथॉरिटीज है, जो उनका रोल है कि वो बैंक के इंटरनल कैपिटल असेसमेंट्स किस तरीके से करें, क्या उनकी एडिक्वेसी को वो अच्छे तरीके से जज कर पा रहे हैं, इवेल्युएशन करना, ये जो उनका रोल है सेकेंड पिलर उसको हाईलाइट कर रहा था। यानी एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, यानी सिंपल वे में करो सिंपल, उसका जो आपकी सुपरवाइजरी रिव्यू था उसका मेन फोकस यही था कि जो ऑन द रोल ऑफ सुपरवाइजरी अथॉरिटीज इन इवेल्युएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ बैंक्स इंटरनल कैपिटल असेसमेंट। देखो आपने पहले पॉइंट में ये कह दिया कि भाई आपने मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स रख लिया, अब अगला बंदा यानी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा। सो ये उसका सेकेंड पिलर था। सो इम्फोसिस एक ही चीज पे थे, जो आपको अफेक्टिव सुपरविजन चाहिए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, इसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई थी। आपको रेगुलेटरी इन्वायरमेंट उसमें आपको जो रेगुलेशंस आप इंप्लीमेंट कर रहे हो अगला बंदा उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी, तभी बैंकिंग सिस्टम साउंडनेस के साथ काम कर पाएगा, वो एफिशेंटली काम कर पाएगा। तीसरा था मार्केट डिसिप्लिन। अब जो ये तीसरा पिलर था ये ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर बाय रिक्वायरिंग बैंक्स टू प्रोवाइड रेलेवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन टू मार्केट, उस पर फोकस कर रहा था। देखो बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट द लास्ट उनके साथ पब्लिक ने डील करना है, सो उन पे उन्होंने मिनिमम उन्होंने उन पे रेगुलेशन डाल दी थी कि भाई आपको अपनी एक्टिविटीज में ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा, यानी आप पब्लिक से ही इंडिविजुअल से जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनके साथ कुछ अनफेयर चीज़ें नहीं करोगे, आपको अपनी सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखनी पड़ेंगी, आपको जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यानी ये बेसिकली जो आपके मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इंकरेजमेंट मिलती थी कि वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाएंगे। देखो अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन यानी जो आपके मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी, मतलब वो उनको हर चीज़ डिटेल से पता होगी, तो वो अच्छे से फैसले ले पाएंगे। इससे एक तो मार्केट डिसिप्लिन बढ़ेगा और अकाउंटेबिलिटी भी प्रमोट होगी। ठीक है, समझ के आगे चलते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कह रहे हैं टू कैलकुलेट द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू टेक इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग रिस्क। देखो कैपिटल एडिक्वेसी का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है, कैपिटल एडिक्वेसी को मेजर करने के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, उसको किस जब आपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को कैलकुलेट करना है तो आपको अलग अलग रिस्क को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला आता है क्रेडिट रिस्क, जो मैंने पहले भी यूज़ किया। क्रेडिट रिस्क का मतलब समझो, देखो ये वो रिस्क है, दिस रेफर्स टू रिस्क ऑफ बोरोस डिफॉल्टिंग ऑन देयर लोन रीपेमेंट। यानी यह पूरे चांस हैं, बहुत चांसेस हैं कि जिस बंदे ने आपसे लोन लिया बोरो किया वो आपको पेमेंट आपके रीपेमेंट नहीं करेगा, उसमें कितने चांसेस हैं वो हमें क्रेडिट रिस्क बताता है, यानी रिस्क ऑफ बोरोर बीइंग नॉट एबल टू रिटर्न द कैपिटल। अब बैंक्स को इसको असेस करना पड़ेगा क्रेडिट रिस्क, जितना भी जो उनके लेंडिंग पोर्टफोलियोज है ना। अब देखो जैसे ही आपका इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो होता है ना कि उन्होंने किन किन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, सेम तरीके से बैंक का लेंडिंग पोर्टफोलियो होता है कि उन्होंने किन किन कैटेगरीज को किन किन बंदों को लेंड करना है। सो उनको इनको अच्छे से जितना भी क्रेडिट रिस्क हर एक पोर्टफोलियो में जो भी लेंडिंग है उसके साथ एसोसिएटेड है उसको एनालाइज करना पड़ेगा और अप्रोप्रिएट कैपिटल को एलोकेट करना पड़ेगा, ताजो अगर पोटेंशियल लॉसेस होते हैं तो बैंक उनमें सर्वाइव कर पाए। सेकेंड आता है मार्केट रिस्क, दिस इंक्लूड्स रिस्क ऑफ लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट प्राइसेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। देखो
मार्केट में आप जा रहे हो, बाय सेल हो रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे आपके स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसी, जब जब उनमें फ्लक्चुएशंस आएंगी, जब जब लॉसेस के चांसेस बनेंगे, तब तक मार्केट रिस्क अराइज होगा। सो बैंक्स को मार्केट रिस्क को भी कंसीडर करना पड़ेगा अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में, और इंश्योर करना पड़ेगा कि उनके पास सफिशेंट कैपिटल है। अगर उनमें मार्केट रिस्क के कारण उनके अगर कोई लॉसेस, पोटेंशियल लॉसेस निकलते हैं, तो वो उनको केटर कर सके। तीसरा आता है ऑपरेशनल रिस्क, दैट रेफर्स टू द रिस्क ऑफ लॉसेस ड्यू टू इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस, पीपल एंड सिस्टम और फ्रॉम एक्सटर्नल इवेंट। देखो, जरूरी नहीं है आपको बाहर से रिस्क होगा, रिस्क आपको अंदर से भी अराइज हो सकता है। मान लो आपके जो इंटरनल प्रोसेसेस, एक्टिविटीज आप कैरी आउट कर रहे हो अपनी फंक्शनिंग के लिए, वो फेल हो गए, आपके पीपल, आपके चोर निकले, थीफ्स निकले, या उन्होंने गलत काम कर दिया, या आपका सिस्टम क्रैक हो गया या क्रैश कह लो हो गया, इवन इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स में, ये सारे ऑपरेशनल रिस्क के अंदर आ जाते हैं। सो ये तीन मेजर रिस्क हैं, लाइक जो आपका क्रेडिट हो गया, मार्केट हो गया और ऑपरेशनल रिस्क, जो आपको कंसीडर करना पड़ेगा अगर आपने अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेजर करना है। सो बैंक्स को इवेल्यूएट करना पड़ेगा उनका ऑपरेशनल रिस्क एक्सपोजर कितना है, यानी वो कितने हद तक ऑपरेशनल रिस्क को फेस कर सकते हैं, और उनको कैपिटल को एलोकेट करना पड़ेगा ताजो पोटेंशियल जो उनके ऑपरेशनल लॉसेस हो जाएंगे उनको वो केटर कर सके और उनकी वायबिलिटी या उनकी पोजीशन हिले ना। अब बेसल टू के अकॉर्डिंग ना कुछ चीज़ें थी, वैसे तो मैं आपको रिस्क एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, चलो देख लेते हैं एक बार। देखो, बेसल टू जो एक इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था बैंकिंग सुपरविजन के लिए, देखो बहुत सिंपल था। बेसल वन मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बताता था, जो टू था ना वो एंटायर सुपरविजन के ऊपर था। सो बैंक्स को कैपिटल रिजर्व्स को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि वो डिफरेंट टाइप्स के रिस्क जो वो फेस कर सकते हैं उनको मीट कर पाए। जो तीन मेन कैटेगरी थी रिस्क की जिनको कंसीडर किया गया था कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के बेसल टू के अंदर, वो मैं आपको ऑलरेडी वैसे करा चुका हूँ। पहला क्रेडिट रिस्क था, दूसरा मार्केट था, तीसरा ऑपरेशनल रिस्क था। ठीक है, ये मैं आपको वैसे, अब आप एक बार इसको देख लेना, ये तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती, क्रेडिट रिस्क क्या है, क्यों उनको पैसा बैंक्स को रखना पड़ेगा, मार्केट रिस्क भी मैंने बता दिया कि किसके साथ रिलेटेड है, क्या क्यों क्यों किस किस कौन कौन सी आपकी कमोडिटीज़ हैं या कौन कौन से आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग ये अराइज कर सकता है। ऑपरेशनल रिस्क भी मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों होता है, कौन सा आपका इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर जब फेल हो जाएगा ये रिस्क अराइज हो जाएगा। सो ये चीज़ें आप पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, तीसरा आता है दीप, जो आपकी बेसल थ्री की कैपिटल रेगुलेशंस थी, दैट आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग थ्री म्यूचुअली रिइंफोर्सिंग पिलर्स। देखो, जैसे बेसल टू के तीन रिस्क मेन थे ना, बेसल तीन की जो मेन तीन पिलर से एक बार उनको फिर देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी इसके बारे में बताया। देखो, सबसे पहला आता था मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड्स। देखो, जो ये पिलर था ये सेट आउट करता था जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो बैंक्स को मेंटेन करने पड़ेगी और या कह लो उनको पूरा करना पड़ेगा अगर उन्होंने अपने लॉसेस को अब्सॉर्ब करना है और अपने ऑपरेशंस को सपोर्ट करना है। इसमें एक तो कॉमन इक्विटी टायर वन कैपिटल और सेकंड टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, दो मेन हिस्से थे इसके। यानी अगर आप मान के चलो, अगर आप मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चल रहे हो, मतलब आप बेसल थ्री को फॉलो कर रहे हो, तो आपको अपनी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा। यानी आपको उतना पैसा रखना पड़ेगा कि टाइम आने पे एक तो वो आपके लॉसेस को ऑब्जर्व कर ले और आपको ऑपरेशंस पे सपोर्ट दे, यानी आपका काम बंद रहे, आपका बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बंद ना हो जाए। इसमें अंदर दो मेन चीज़ें आती थी, एक तो कॉमन इक्विटी टायर वन कैपिटल सेट, जैसे सेट वन का नाम दिया गया था, और दूसरा आपका टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोस। तीसरा था सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी, यानी ये पिलर एम्फेसाइज करता था रोल सुपरवाइजरी अथॉरिटीज का कि वो बैंक की कैपिटल एडिक्वेसीज को अच्छे से जज कर रही हैं, उसको असेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व किया जा रहा है या नहीं किया जाता है, या इन शॉर्ट आप कह लो कि ओवरऑल बैंक आपके रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो एक तो अफेक्टिव सुपरविजन होनी, उसको प्रमोट करना इसका काम था, और इवन ये बैंक्स को इनकरेज करते थे कि वो भाई अपने कैपिटल, एडिशनल कैपिटल बफर्स जब इकॉनमी बूम में जा रही है वो बना के रखे, ताकि जो टाइम आने पर जो रिस्क प्रोफाइल्स हैं, जो उनमें पोटेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, उनको मीट किया जा सके। ठीक है, तीसरा था मार्केट डिसिप्लिन, ये भी मैं आपको बता चुका। जो ये मेन पिलर था इसका फोकस था कि मार्केट डिसिप्लिन को बढ़ाया जाए, ट्रांसपेरेंसी काम में लाई जाए। यानी ये इनकरेज करते थे बैंक्स को कि भाई जो जरूरी इंफॉर्मेशन है, जो अपनी उनकी कैपिटल के रिगार्डिंग रिस्क की कौन कौन सी कैटेगरीज में वो फेस कर रहे हैं और जो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, वो पब्लिक को बताई जाए। सो ये एक तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को
हौसला देते थे और उनको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी चीज़ कि वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं और मार्केट डिसिप्लिन बना रहता है इसके साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ई की चीज़ में से कितने क्वेश्चन आए हैं अगेन एंड अगेन। अब एक ना कॉन्सेप्चुलाइजेशन का समझो, मतलब देखो कॉन्सेप्चुलाइजेशन बेसल थ्री के अकॉर्डिंग दैट इज नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो माइनस बेसल थ्री नॉट, यानी जो आपका नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो फाइंड करोगे ना वो डैट जो आपके बेसल थ्री नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्चुलाइजेशन की जा सकती है। अब पिलर वन की जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, एक ना इसमें मैचिंग का क्वेश्चन भी आपको आता है, उन्होंने आपको मैचिंग में ना पांच ऑप्शन दे देते हैं, पांच में से कहते हैं मैचिंग नहीं कह सकते, कहते हैं पांच में से तीन चूज करके बताओ कि कौन से पिलर वन बेसल वन अकॉर्डिंग या पिलर बेसल वन नहीं बेसल थ्री के पिलर वन के अकॉर्डिंग तीन मिनिमम कैपिटल रिक्वायर। देखो अगर आप ऑनगोइंग मेंटेनेंस कर रहे हो अपने रेगुलेटरी कैपिटल की तो आपको ये तीन मेन रिस्क देखने पड़ेंगे, क्रेडिट ऑपरेशन और मार्केट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, आगे आता है कॉन्सेप्चुलाइजेशन का गेन। एक मैचिंग का क्वेश्चन आया था, देखो जो उन्होंने बेसिकली ना आपको कहा था जो इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट है वो टायर वन कैपिटल के अंदर आते हैं, जो आपका टाइम मैच्योरिटी गैप है वो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर आता है। यानी देखो जो आपका टाइम मैच्योरिटी गैप, आपके पास कितना टाइम है कि आप अपनी एसेट और लायबिलिटीज को मैनेज कर सकते हो, जो आपके टायर वन के कैपिटल का जो इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है डेट, उसमें परपेचुअल इनोवेटिव डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, और अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टैकल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो आपको उन्होंने पेपर में ना, देखो अब देखो मेन चीजें, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो मेन चीज ये नहीं है कि आप सिलेबस कवर कर रहे हो, मेन चीज ये है कि आप वो पार्ट कवर करो जिसमें से पेपर पूछा जा रहा। आप बहुत वेल क्वालिफाइड हो, आपने दो दो डिग्रीज की हुई है, हर चीज़ हर बच्चे को पता है, बस उसको पढ़ने का देखने का नज़रिया आपको पता होना चाहिए। अब कुछ ऐसे गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए थे एनपीएस को मैनेज करने के लिए, वो डेट वाइज कह लो या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। देखो सबसे पहले कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग का सीडीआर का कॉन्सेप्ट लाया गया था। देखो जो कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग है ये एक मैकेनिज्म था जिसे 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया था आरबीआई के द्वारा, ताजो आप रिलीफ प्रोवाइड कर सको जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस्ड कंपनीज हैं उनको। देखो ठीक है नुकसान होंगे, बट इन शॉर्ट कहीं ना कहीं तो उस नुकसान के लिए उस कंपनी थोड़ी बहुत तो फाइनेंशियल रिलीफ मिलनी चाहिए, उसके लिए सीडीआर का कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसमें आप रिस्ट्रक्चरिंग को अलाउ कर रहे हो डेट उन कंपनीज के डेट्स की जो अपने टाइम पे अपने डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा रीपे नहीं कर सकते, यानी आप उनको रिस्ट्रक्चर करके कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ी बहुत रिलीफ प्रोवाइड करवा सकते हो। सेकेंड थी कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। देखो जो कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट थी ये वो सेटलमेंट है, यानी इसका मतलब ये है कि आप सेटलमेंट ऐसा एक सेटलमेंट मैकेनिज्म जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड किया जाता है या वो प्रोवाइड करते हैं टू बोरर्स हु आर अनेबल टू रीपे देयर लोन्स इन फुल। कहने का मतलब है देखो कई बार कई बंदे जेन्युइन तौर पे आपका लोन का बैंक्स के लोन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन रीपे नहीं कर सके, सो आप उनको ऑप्शन प्रोवाइड करते हो, उनको थोड़ी सी लिबर्टी देते हो, कुछ चेंजेस ला देते हो, उनको कुछ रिलीफ मिल जाए, सो इट अलाउज फॉर नेगोशिएटेड सेटलमेंट। यानी आप ये कह देते हो चलो इंटरेस्ट नहीं प्रिंसिपल ही रिटर्न कर दो, सो टिपिकली इसमें पार्शियल रीपेमेंट होते हैं जितना भी पैसा आपका उस बंदे की तरफ आउटस्टैंडिंग है। तीसरा आता है DRTs यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। अब देखो जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं इनको 1993 यानी 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट, जिसे RDDBFI एक्ट के नाम से जानते हैं। ये एक्ट बहुत बार पूछा गया, यानी जो DRTs है ना ये स्पेशलाइज्ड क्वासी जुडिशियल बॉडीज थी जो फैसिलिट करती थी स्पीडी रिकवरी डेट्स की ओन बाय डिफॉल्टिंग बॉरोअर्स। यानी जो बंदे आपका पैसा मार के बैंक्स का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा लेके चले गए हैं, उनको किस तरीके से स्पीडी वे से उनसे हमने पैसा वापस निकलवाना, वो DRTs का काम था। लास्ट में आया था क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। देखो जो आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, इसे कॉमनली सिबिल के नाम से जाना जाता है, ये एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है जो 2000 में इस्टेब्लिश की गई थी। ये आपकी क्रेडिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, और ये इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है आपके क्रेडिट स्कोर को बनाने के लिए और रिपोर्ट्स आपके लेंडर्स को प्रोवाइड करने के लिए। अब आप बारी बारी जब अगर आपने सुना होगा
कि देखो जो सिबिल स्कोर का कॉन्सेप्ट आया ही इससे था। आप ये कह देते हो ना, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं वो कहते हैं ना आपके इंटरेस्ट डिपेंड करता है व्हाट इज योर सिबिल स्कोर, यानी सिबिल स्कोर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बताता है कि आपको लोन देना फायदेमंद है, मतलब फायदेमंद इन द सेंस कि आप टाइम पे उसकी रीपेमेंट और अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट करोगे या नहीं करोगे। सो ये चीजें सारा कुछ जो करता है, डेट इज ये काम सारा सिबिल का है, ठीक है। ये असिस्ट करती है कि असेस करने में कि एक बोरोअर की क्रेडिट वर्दीनेस क्या रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट सिबिल स्कोर में क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो एक सिबिल स्कोर से क्वेश्चन आया था, देखो इन इंडिया, इंडिया में जो क्रेडिट वर्दीनेस लोन है आप उसे सिबिल स्कोर के नाम से जानते हो, जो 300 से 900 की रेंज में आता है। इसकी ना रेंज पूछी जाती है, सो सिबिल स्कोर की रेंज 300 से 900 है। जो ये स्कोर है इसको कैलकुलेट किया जाता है क्रेडिट ब्यूरोस के द्वारा। अब ये डिपेंड किस पे करता है, नो डाउट ये आपके क्रेडिट ब्यूरोस इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल की क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, क्या उसका रीपेमेंट बिहेवियर, वो टाइम पे पैसे देता है या नहीं देता है, क्रेडिट को किस तरीके से वो यूटिलाइज कर रहा है। इसके अलावा कई और फैक्टर्स को ध्यान में रख के सिबिल स्कोर को तय किया जाता है। देखो जितना अच्छा स्कोर होगा उतनी आपकी अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस होगी, और ये इंक्रीज कर देगा कि आपको बैंक्स के फेवरेबल टर्म्स पे क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। होप सो आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। सो करते हैं आज की क्लास को ओवर, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।